विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक निलय डागा के विधानसभा क्षेत्र से कुनवी समाज के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता ने अपने 200 समर्थकों के साथ बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। आदिवासी बहुल बैतूल विधानसभा से कांग्रेस के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट को लेकर अब भी कांग्रेस काफी आशान्वित थी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की मौजूदगी में कुनवी समाज के बैतूल जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता यशवंत मुन्नाम मानकर के साथ 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन महामंत्री ने मानकर और कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र पहनाकर व मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए यशवंत मुन्ना मानकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली और पार्टी की विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया है, इसीलिए उन्होंने भाजपा में आने का मन बनाया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस भारत देश का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उनके साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष पीवी शर्मा जी और सम्मानित मंच सभी लोगों के कार्यशैली को प्रणाम करता हूँ और इनसे मैं अत्यंत आपके साथ सभी की कार्यशैली से संतुष्ट होकर मुझे अपने इस आज पद ग्रहण करता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का और बहुत बहुत बधाई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा के राज में गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि लोग भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिस कांग्रेस में राजीव इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाएंगे, ये वो कांग्रेस थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कहते थे कि 1 रुपया गरीब के लिए भेजते 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते, भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। आज हमें गर्व है कि आपने सभी कांग्रेस में उस समय जो लोग रहे आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब इस देश के अंदर गुड गवर्नेंस देते हुए तय कर दिया, अगर 1 रुपया गरीब के लिए भेजते तो जनधन अकाउंट के माध्यम से अब इस भारत के अंदर राजनीतिक आज के प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है कि कोई दलाल और बिचौलिया भारत के अंदर नहीं है। अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तुम्हें आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगामी आने वाले 2023 जो महासमर शुरू हो गया है ये दिखाई देता है कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में आज इतनी बड़ी संख्या में मुन्ना मानकर जी के साथ सभी हमारे सरपंच जो लोकतंत्र की हमारी सक्षम इकाई है सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सब लोगों को स्वागत के साथ और हम सब मिलकर के एक ताकत बनकर के 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनेगी। पुनः एक बार मुन्ना भाई और आप सब लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, संभाग प्रभारी पंकज जोशी, जिलाध्यक्ष बबला शुक्ला, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया मौजूद रहीं। कांग्रेस नेता यशवंत मुन्ना मानकर के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में जनपद सदस्य डॉ मुकुंद राव घोटे, कांग्रेस नेता कृष्णा परमार, सरपंच बबलू नगले, नागेराव घोटे, रेखा गोलू अहाके, जगदीश चड़ोकार, सहदेव बटके, हंसराज मर्श कोले, अनंत जवलकर, विजय ध्रुवे, अंतुलाल उइके सहित 25 गांवों के प्रमुख कार्यकर्ता और जनजाति बाहुल्य 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।